नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है कि कुल अमरिन ज़िबालिन लम ला युब्दा फीहि बिस्मिल्लाह फहुवा अख्ता, या बाद रिवायत में फहुवा अबतर, जिसके माना यह है कि हर वो अहम काम जो अल्लाह के नाम से शुरू ना किया जाए वो अधूरा है या ना तमाम है। चुनाचे रसूल करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अहम काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करने की ताकीद फरमाई, यहाँ तक कि खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त, सवारी पर सवार होते वक्त, कोई ख़त या तहरीर लिखते वक्त, गरज हर काबिल जिक्र मशगले के शुरू में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करते थे। बज़ाहिर तो एक मुख्तसर सा अमल है जिसे बाद औकात एक रस्मी सी कार्रवाई समझकर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में यह कोई रस्म नहीं बल्कि इससे एक बहुत बुनियादी फिक्र की आबियारी मकसूद है। ये एक ऐसी अहम हकीकत का एतराफ है जिसको पेशे नज़र रखने से ज़िंदगी के तमाम मसाइल के बारे में इंसान का पूरा नुक्ते नज़र और मामला तय करने के लिए उसकी पूरी अप्रोच ही बदल जाती है, क्योंकि ये इस बात का ऐलान है कि इस कायनात का कोई ज़र्रा अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी मशीयत के बगैर हरकत नहीं कर सकता। इंसान को अपनी अमली ज़िंदगी में असबाब के इख्तियार करने का हुक्म ज़रूर दिया गया है, लेकिन न तो ये असबाब खुद ब खुद वजूद में आ गए हैं और न इन असबाब में बजाते खुद कोई कारनामा अंजाम देने की ताकत मौजूद है। ज़रा सा गौर कीजिए कि जब हम पानी पीना चाहते हैं तो बस औकात गफलत और बेदियानी के आलम में पीकर फारिग हो जाते हैं। एक जाहिर बीन इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इतना सोच लेता है कि इसे पानी कहाँ से हासिल हुआ, किस कुएँ से या दरिया से या झील से, और इंसान की प्यास बुझाने के लिए अल्लाह ताला की कुदरत कामिला ने कायनात की कितनी कुव्वतें उसकी खिदमत में लगा रखी हैं और उसके लिए कैसा अजीब व गरीब निज़ाम बनाया हुआ है, इसका ध्यान बहुत कम लोगों को आता है। लेकिन न तो इंसान ये बर्दाश्त कर सकता था कि उस पर हर वक्त बादल छाए रहें और बारिश बरसती रहे, और न उसमें यह ताकत थी कि वह साल भर या छः महीने का पानी एक साथ इकट्ठा करके रख सके। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत व हिकमत ने यह इंतज़ाम फरमाया कि बादलों का यह पानी पहाड़ों पर बरसा कर उसके मुंजमिद ज़खीरे बर्फ की शक्ल में महफूज फरमा दी। पानी का यह दिलफरेब कोल्ड स्टोरेज पहाड़ों की चोटियों पर दिलावेज नज़ारे तो फराहम करता ही है, लेकिन इसका असल काम हमारी प्यास बुझाने का इंतज़ाम है। इसी को कुरान करीम ने ये इरशाद फरमाया कि अफराइतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़ल्तुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहलुल मुंज़िलून, कि ज़रा गौर तो करो कि वो पानी जो तुम पीते हो क्या तुमने उसको बादलों से उतारा है या हमने उसको बादलों से उतारा है, हम हैं उसको बादलों से उतारने वाले। फिर इंसान को यह तकलीफ भी नहीं दी गई कि वह इस बर्फिस्तान में खुद जाकर अपनी ज़रूरत पूरी करे, बल्कि उसे सूरज की गर्मी से पिघलाकर दरिया और पहाड़ी नाले बना दिए गए और उसके अलावा पानी के सोतों के जरिए ज़मीन के कोने कोने में ऐसी पाइपलाइन बिछा दी गई है कि इंसान जहाँ से ज़मीन खोदे वहीं से पानी बरामद हो जाता है। पानी का हर वो घूंट जो हम एक लम्हे में अपने हल्क से उतार लेते हैं आप रसानी के सारे तवील अमल से गुजर कर हम तक पहुँचता, जिसमें समंदर, बादल, पहाड़, आफ्ताब, हवाएं, नदी नाले, ज़मीन और उसमें पोशीदा खजाने, उस पर चलते हुए जानवर और बिल आखिर इंसान और उसके बनाए हुए आलात सब अपना अपना किरदार अदा कर चुके होते हैं। जब आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी कि पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहो या कम अज़ कम बिस्मिल्लाह ही कह दो, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह का नाम लेकर पानी पीना शुरू करो, तो दरहकीकत उसका मकसद यही है कि पानी की इस नेमत के इस्तेमाल से पहले
अल्लाह तबारक व ताला के इस एहसान अजीम को याद करो जिससे तुम्हारे होंठों तक पानी के ये घूंट पहुंचाने के लिए कायनात की कितनी कुव्वतों को तुम्हारी खिदमत में लगा दिया। इस पानी के हुसूल के लिए तुमने चंद जाहिरी असबाब जरूर अपने अमल और अपनी मेहनत से अख्तियार किए, लेकिन इन जाहिरी असबाब की रसाई एक खास हद से आगे नहीं थी। इस हद के पीछे अल्लाह ताला की रबूबियत का वो मुहैयरुल उकूल निज़ाम काम कर रहा है जो इंसान के अमल ही नहीं उसकी सोच और तसव्वुर की परवाज से भी बालातर है। फिर एक आम आदमी को इससे ज्यादा किसी बात से सरोकार नहीं होता कि उसे प्यास लगी थी जिसे उसने गिलास पानी पीकर तस्कीन दे दी, लेकिन ये पानी हलक से उतरकर कहां जा रहा है और इसके जिस्म की क्या क्या खिदमात अंजाम दे रहा है इसकी तरफ आमतौर से किसी का ध्यान भी नहीं जाता। जरा गौर से काम लें तो दरहकीकत हमारी जिस्मानी मशीनरी के एक एक पुर्जे को पानी की जरूरत थी जिसके बगैर ये मशीनरी काम नहीं कर सकती थी, लेकिन चूंकि आम इंसान यह भी पता नहीं लगा सकता कि उसके जिस्म में कब पानी की मतलूबा मकदार कम हो गई है, इसलिए कुदरत खुदावंदी ने उसे प्यास की शक्ल में एक आम फहम मीटर अता कर दिया जो हर आलिम जाहिल शहरी और देहाती यहां तक के ना समझ बच्चे को भी खुद ब खुद यह बता देता है कि उसे पानी की जरूरत है। वो उसे सिर्फ अपने होंठ और हल्क की जरूरत समझता है और इन्हीं दो चीजों को तर करके मुतमईन हो जाता है कि प्यास बुझ गई, लेकिन दर हकीकत पानी का असल फायदा उससे कहीं आगे। वो सिर्फ होंठ और हल्क की ही नहीं बल्कि पूरे जिस्म की मांग थी। वो हल्क से गुजरकर जिस्म के हर उस हिस्से को सैराब करता है जिसे अपनी जिंदगी बरकरार रखने के लिए उसकी जरूरत थी, और इस तरह जिस्म की अंदरूनी पाइपलाइन के जरिए वो पानी सर से लेकर पांव तक जरूरत के तमाम जगहों तक पहुंचाया जाता है, और फिर जितने पानी की जिस्म को जरूरत होती है उतना जिस्म में बाकी रहता है और बाकी हिस्सा जिस्म की धुलाई करने के बाद अपने साथ मुजिर अज्जा को बहाकर दोबारा जिस्म से बाहर निकल जाता है। मशहूर है कि हारून रशीद एक मरतबा पानी पीने के लिए गिलास हाथ में लिए हुए थे। वो इस गिलास को होंठों तक ले जाने लगे तो करीब ही बैठे हुए बहलूल मजजूब ने उनसे कहा कि अमीरुल मोमिनीन जरा एक लम्हे के लिए रुक जाइए। हारून रशीद रुक गए तो बहलूल ने कहा, जरा बताइए कि अगर शदीद प्यास के वक्त आपको यह पानी न मिले तो आप उसे हासिल करने के लिए कितनी दौलत खर्च कर देंगे। हारून रशीद ने कहा कि सारी दौलत। बहलूल ने कहा, अच्छा अब पानी पी लीजिए। जब वो पीकर फारिग हुए तो बहलूल ने फिर पूछा कि अमीरुल मोमिनीन जरा यह भी बता दीजिए कि जितना पानी आप दिन भर में पीते हैं अगर वो सारे का सारा जिस्म के अंदर ही रह जाए और बाहर ना निकले ना निकल सके तो उसे बाहर निकालने के लिए यानी पेशाब करने के लिए आप कितनी दौलत खर्च कर देंगे। हारून ने फिर कहा कि सारी दौलत। इस पर बहलूल ने कहा कि आपकी सारी दौलत एक गिलास पानी को जिस्म में दाखिल करने और उसे बाहर निकालने की कीमत भी नहीं है। कहने को तो ये एक लतीफा है लेकिन वाकईतन ये एक ऐसी सामने की हकीकत है जो बदी होने के बावजूद हमारी नजरों से ओझल रहती है। ये तो एक पानी की मिसाल थी। रोटी के निवाले को ले लीजिए जो एक लम्हे में आप हल्क से उतार लेते हैं। एक जाहिर भी निकाह सिर्फ हद तक जाती है कि हमने अपने कमाए हुए पैसों से बाजार से आटा खरीदा और उसे रोटी तैयार कर ली, लेकिन बाजार तक उस आटे को पहुंचाने के लिए कायनात की कितनी ताकतें सरगर्म रहीं उसकी तरफ उमूमन निगाह नहीं जाती। इंसान का काम इतना ही तो था कि वह जमीन में हल चलाकर उसमें बीज डाल दे, लेकिन कौन है जिसने इस छोटे से बीज में ऐसा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया हुआ है कि उसमें से कोंपल फूट निकली। कौन है जिसने मिट्टी के दबीज तहों में इस कोंपल की परवरिश की और उसे यह कुव्वत अता की कि वह अपने मुनहनी जिस्म की लचकदार नोक से जमीन का पेट फाड़ कर नमूदार हो और एक लहलहाती हुई खेती में तब्दील हो जाए। फिर कौन है जिसने उस पर चांद सूरज की किरणें बखेरी, उसे लहराती हुई हवाओं का गहवारा फराहम किया, उस पर बादलों का शामियाना तान दिया और उसको झुलसने से बचाया और उस पर रहमत का मैं बरसाकर
उसकी नशो नमा की रफ्तार तेज कर दी। यहां तक कि एक एक खेत में सैकड़ों खोशे और एक एक खोशे में सैकड़ों दाने वजूद में आ गए। कुरान करीम इसी हकीकत को याद दिलाते हुए कहता है, अफरअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। जरा बताओ तो सही कि जो कुछ तुम जमीन को गाह कर इसमें डाल देते हो, क्या तुम उसे उगाते हो या हम हैं उगाने वाले।